दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी घर चूज करना चाहते हैं तो आप इस घर को बनवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोर्च का डिज़ाइन जो दिया है वो बहुत ही बेहतरीन सा है और इसका फ्रंट एलिवेशन भी आपके सामने बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। इसमें पोर्च के लिए जो डिज़ाइन है वो आपका दो पिलर पर बना हुआ है। तो आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं पूरा ओवरऑल। तो इस मॉडल को डिस्कस करने से पहले, अगर आप अभी तक चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो ज़रूर करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों इस स्मॉल हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो नए नए मॉडल से मिलते रहते हैं जो आप देख कर बनवा सकते हैं। तो जब भी आप एक हाउस प्लानिंग करने की सोच रहे हो तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करें, जिससे आपको एक नया आइडिया मिल सके। तो आज का जो प्लान है उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम ग्राउंड फ्लोर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देख पा रहे हो ग्राउंड फ्लोर। सबसे पहले स्टेयर से आप ऊपर जाएंगे, आपको दो पिलर मिलते हैं और उसी पर लगभग आपका वॉल है। वॉल में डिजाइन दोस्तों आपको देख सकते हैं, 3 से 4 कट हैं और इसके बाद ये मेन डोर है। दोनों तरफ आपके विंडो लगे हुए हैं जिसमें आपका वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, और जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप घर के अंदर आ जाते हैं। अब घर के अंदर जैसे ही आते हैं तो आपको एक बड़ा सा पोर्च टाइप का मिलता है, डाइनिंग हॉल टाइप का मिलता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक गेस्ट रूम मिलता है। इसमें देख सकते हैं आप, मैंने सोफ़ा वगैरह लगा रखा है जिसके लिए डोर ये दिया है और विंडो आपका ये है। अब इधर की बात करें, राइट हैंड में आपको किचन मिलता है, किचन के लिए जो डोर दिया है वो आपका इधर अंदर से दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पर किचन एरिया कवर्ड हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आपकी सीढ़ी दी हुई है जिससे आप ऊपर जाएंगे, चढ़कर आप इधर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर ऊपर पहुँच जाएंगे। वहीं फ्रंट की बात करें तो पीछे आपको दोनों बेडरूम्स मिल जाते हैं, देखिए दो बेडरूम्स हैं पीछे और ये आपका यहाँ पर लेट एंड बाथ मैंने कंबाइंड कर रखा है। तो अगर पूरे मकान की बात करें तो आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं, 2 पीछे 1 आगे, और आपका किचन इधर स्टेयर से लेट बाथ, और बीच में आपका बड़ा सा आंगन टाइप का जिसे बोल सकते हैं या डाइनिंग हॉल टाइप का बोल सकते हैं, यहाँ पर आप जाल रखवाएंगे जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन आपके घर का होता रहेगा। तो ये अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर को, मैं और आपको जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको उसका और रियलिस्टिक व्यू समझ में आए, इस पर क्या चीज़ें टेक्सचर वगैरह क्या है वो सब कुछ आप यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए स्टेयर्स भी आपका जो है नॉर्मल सा ब्लैक कलर का है और इधर रेड कलर का किचन आपका बना हुआ है। तो ये 3 बेडरूम के साथ बेहतरीन सा घर था। फ्रंट की अगर हम बात करें तो ये देखिए फ्रंट में, मैं और जूम करके दिखाता हूँ, ये पिलर पर पूरा मकान आगे का जो भी पोर्च बना है ये आपका टिका हुआ है। वहीं लास्ट फ्लोर की बात करें या फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ये देखिएगा, इसमें चारों तरफ लगभग 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल है और इसके बाद आपका ग्रिल इस्तेमाल किया गया जो कि आयरन का है, और आप जब भी ग्रिल बनवाएं तो आप उसे मिस्त्री को दिखा सकते हैं, वो ऑटोमेटिक आपका बना देगा। वहीं फ्रंट से आपका लुक ऐसा देखने वाला है, मैं और जूम करता हूँ जिससे आप उसके ग्रिल का भी डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से देख सकें और आपको बनवाने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मकान का अगर हम बात करें तो फ्रंट ही इसका सिर्फ आपका ओपन है, बाद बाकी तीनों साइड से बंद क्लोज्ड है। आप देख पा रहे तीनों साइड आपके घर वगैरह बने होंगे, सिर्फ सामने से ही आपका ये ओपन है, स्पेस है। तो यही पूरा मॉडल था 3 बेडरूम के साथ बेहतरीन सा। अगर इसके साइज़ की बात करें तो 30x45 फिट में ओवरऑल बना हुआ है, 30 फिट इसका ब्रिथ है और इसका 45 फिट इसका लेंथ है। एक नॉर्मल सा प्लान था, लो बजट प्लान था। अगर आप कम लागत में घर बनवाना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मॉडल या वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और इस स्मॉल हाउस प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।